दोस्तों वॉशिंग मशीन की वॉश टब में पानी डालते ही वॉशिंग मशीन के पीछे ड्रेन वाली जो पाइप होती है उस पाइप से पानी लगातार निकल जाती है और वॉश टब में पानी नहीं रुक पा रही है, आपके वॉशिंग मशीन में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम को बता रहा हूँ सेम प्रॉब्लम आपके वॉशिंग मशीन में होगी, तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से अपने वॉशिंग मशीन को आप ठीक कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है वॉशिंग मशीन में। तो इसके लिए हमें इसकी पीछे जो कवर रहती है उसे बाहर निकालनी है। तो इसकी स्क्रू को हम पेचकस या टेस्टर से बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कवर अब हम यहाँ से हटाते हैं। तो कवर हटाने के बाद यहाँ पर ये जो रस्सी होती है इसे भी यहाँ से हम अलग कर लेते हैं। तो रस्सी को निकालने के बाद हम इसको घुमाकर निकाल सकते हैं। दोस्तों चलिए समझते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो नीचे में जगह दिख रही है तो घर में छोटी छोटी चूहे घूमते रहती है। कई बार चूहा इसके अंदर जाकर यहाँ पर जो रबड़ लगी होती है उसको काट लेती है। दोस्तों हम इस वीडियो में इस पार्ट को एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। तो इसको खोलेंगे, खोलते ही ये जो रबड़ है बाहर आ जाती है। तो रबड़ को हमें चेक करना है। तो यहाँ पर ये जो छोटी सी जगह होती है इसमें कई बार चूहे अंदर जाकर यहाँ से ये जो रबड़ होती है इसको काट देती है। तो रबड़ कटने के कारण से इसमें जो गैपिंग आ जाती है, तो गैपिंग होने के कारण से पानी जो है प्रॉपर यहाँ पर स्टॉप नहीं होती, यहाँ से लीक कर जाता है, जिसके कारण हम वॉश टब में पानी डालते हैं और इधर से पानी तुरंत निकल जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको सिंपल ये जो रबड़ दिख रही है इसे सेम मार्केट से दूसरी रबड़ खरीदनी है। उसके बाद आप बिल्कुल इस तरह से इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद यहाँ पर इसे वापस लगानी है। तो कई बार रबड़ को चूहा काट लेती है जिसके कारण से पानी वहाँ पर स्टॉप नहीं हो पाती है और पानी वहाँ से तुरंत ही लीक कर जाता है। तो रबड़ चेंज करने के बाद हम ये जो प्रॉब्लम है उसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ वॉशिंग मशीन से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर नई जानकारी में। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।